तो आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश सीखो भी तब सर में आप लोग स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से एडवांस स्पोकन इंग्लिश का एक और स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। चलिए पहले सर देखते हैं कि वो कौन सा सेंटेंस है जो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। देखते ही वह भाग गया, देखते ही देखते वह सो गया। तो इस प्रकार के सेंटेंस बोलने के लिए हमें किस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना चाहिए? सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखते ही देखते का मतलब होता है कि समय बीत गया कब पता ही नहीं चला। तो कोई काम करते करते समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए हमें देखते ही देखते वर्ड का यूज करते हैं। इसके लिए हम एक एडवांस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा, सेंटेंस, फिर उसके बाद इन नो टाइम, सबसे पहले आपको सेंटेंस लिखना है। जो भी सेंटेंस रहेगा जिस भी टेंस में आप रहेगा सेंटेंस पहले लिख लेंगे। सेंटेंस के बाद आपको लिखना पड़ेगा इन नो टाइम। तो सेंटेंस लिखने के बाद इन नो टाइम लगा देंगे तो इस प्रकार के सेंटेंस बन जाएंगे। चलिए हम लोग बना के सीखते हैं और शुरू करते हैं। देखते ही देखते वह भाग गया, तो वह भाग गया पहले बनाएंगे क्योंकि हमें पहले सेंटेंस लिखना है। तो सेंटेंस लिखेंगे वह भाग गया, तो वह भाग गया तो क्या होगा? ही रैन अवे, रैन अवे, वह भाग गया। अब देखते ही देखते बनाना है तो देखते ही देखते की मीनिंग होगी इन नो टाइम, इन नो टाइम। तो देखिए देखते ही देखते वह भाग गया, तो ही रैन अवे इन नो टाइम, देखते ही देखते वह भाग गया। दूसरा देखते हैं, देखते ही देखते वह सो गया, तो क्या होगा? ही सो गया, ही स्लेप्ट, वह सो गया देखते ही देखते इन नो टाइम, इन नो टाइम। देखिए देखते ही देखते वह सो गया, ही स्लेप्ट इन नो टाइम, देखते ही देखते काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। द वर्क कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब देखते ही देखते लिखना है तो लिखेंगे इन नो टाइम, इन नो टाइम। देखते ही देखते काम पूरा हो गया तो क्या बनेगा? द वर्क कंप्लीटेड इन नो टाइम, देखते ही देखते अंधेरा हो गया, क्या बनाएंगे? इट बिकेम डार्क, इट बिकेम डार्क इन नो टाइम। देखिए देखते ही देखते अंधेरा हो गया, इट बिकेम डार्क इन नो टाइम। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बोलना बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को सीखने के लिए हमें इन नो टाइम का प्रयोग करना होता है। सबसे पहले आपको सेंटेंस लिखना होगा, सेंटेंस जिस भी टेंस में रहेगा उसके अनुसार आप लिख लोगे। फिर उसके बाद सेंटेंस लिखने के बाद इन नो टाइम लिख कर हम लोग ऐसे सेंटेंस को बोल सकते हैं। जैसे अगर रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, देखते ही देखते वह भाग गया, देखते ही देखते वह भाग गया, ही रैन अवे इन नो टाइम, देखते ही देखते वह सो गया, ही स्लेप्ट इन नो टाइम, देखते ही देखते काम पूरा हो गया, द वर्क कंप्लीटेड इन नो टाइम, देखते ही देखते अंधेरा हो गया, इट बिकेम डार्क इन नो टाइम। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए आप लोग भी अपने डेली लाइफ में प्रयोग कर सकते हैं।